तो फिलहाल अभी मैं हूँ गुली गांव में, जो कि मेरा फादर्स का होम टाउन है। तो मैं यहाँ पे कल आके पहुँचा था अराउंड 2 बजे को, और फिलहाल कुछ काम से आया था। यही है मेरा छोटा सा और प्यारा सा गांव। फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ ऐसे ही छोटा सा राउंड मारने, जो कि मेरा गांव है वहीं पे मैं थोड़ा सा राउंड मारने जा रहा हूँ। एंड मैं अपने कज़िन के साथ थोड़ा बहुत घूमूंगा आज, और थोड़ा बहुत ऐसे जगह को देखूँगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ अपने गांव में। एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू ऑल गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो मेरे पीछे देख सकते हो ये एक छोटा सा पॉन्ड है, हमारा ही है। सो बहुत ही ज़्यादा है, अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा है। और यहाँ पे मतलब फिश वगैरह और स्नेल वगैरह सब कुछ है, तो मतलब लोकल खाना मिल जाता है, मतलब लोकल खाना हम लोग खा सकते हैं यहाँ पे आने से, गाँव में आने से। सो गाइस निकल चुका हूँ, और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे गांव घूमने के लिए। वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है आज। मैं अकेले नहीं जा रहा, मेरा एक कज़िन है, उसके साथ मैं जा रहा हूँ। रास्ता काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है गाइस, पहले मतलब रास्ता ना के बराबर था, अभी बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है। यहाँ पे मास्क पहनने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, नो पोल्यूशन, नो ट्रांसपोर्टेशन, इतना ज़्यादा भी ट्रांसपोर्ट नहीं है, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है गांव में बाइक चलाना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बचपन में काफ़ी आता था गांव पे, जब भी स्कूल का समर वेकेशन होता था, विंटर वेकेशन होता था, लेकिन अभी इतना आना जाना होता नहीं है, लेकिन बचपन में बहुत ही ज़्यादा होता था। मेमोरीज पूरा उभर के आ रहा है। ये सब गलियों में हम लोग घूमते थे साइकिल लेके, और आज इतने दिनों बाद बाइक लेके घूम रहा हूँ, बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। सो गाइस ये जो आप रास्ता देख रहे हो, ये रिपेयर कर रहे हैं अभी। पहले भी अच्छा रास्ता था, टारमैक रोड था पूरा, लेकिन अभी ये रास्ता को थोड़ा चौड़ा कर रहा है और थोड़ा बहुत रिपेयर कर रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, पूरा ग्रीन ग्रीन। ये सब आप लोग जो देख रहे हो, ये राइस का प्लांटेशन है, धान खेती, हम लोग धान खेती बोलते हैं, मे भी हिंदी में भी शायद धान ही बोलते होंगे। पूरा छोटे छोटे स्टोन्स देके रखा हुआ है, रास्ता मतलब बन जाएगा। अरे अरे धीरे 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 धीरे, स्लोली स्लोली। व्यू देखिए गाइस, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, डैम ब्यूटीफुल। लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ग्रीन है, राइट हैंड साइड में ग्रीन है, चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ग्रीन। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल व्यू। सो अभी हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स भूटान गेट, जो कि नामलांग पड़ता है, वहीं पे मैं जा रहा हूँ अभी। तो थोड़ा बहुत आप लोगों की दिखा देता हूँ भूटान का जो गेट है, और वहाँ पे एक अच्छा स्पॉट है, पहले भी बहुत बार जा चुका हूँ मैं, लेकिन चलिए आप लोग को भी दिखा देते हैं, इतना दूर आ ही चुके हैं तो देख के आते हैं और दिखाते हैं आप लोग को कैसा है। और फिलहाल अभी तो भूटान में जाने को एंट्री नहीं देंगे, स्टिल इंडिया और जो भूटान का बॉर्डर है वहाँ तक तो हम लोग एटलीस्ट जा सकते हैं। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, जाने देंगे कि नहीं आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ पे हमारे इंडियन आर्मी भी है, SSB कैंप है वहाँ पे, सो दे आर अलाउिंग अस और नॉट, पता नहीं मुझे। सो लेट्स सी। ओहो ये पार्ट देखिए गाइस, वाओ दिस इज डैम ब्यूटीफुल, पूरा बैम्बो से कवर अप है ये एरिया। थोड़ा बहुत डरावना भी है और बहुत ही सुंदर व्यू है। दिन में तो बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन रात को तो भाई साहब पूरा हॉन्टेड रोड जैसा दिखेगा। बहुत ही सुंदर एक सराउंडिंग में रहते हैं यहाँ के लोग। कभी कभी गांव में भी आना चाहिए, गांव में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, गांव का खाना खाना चाहिए, पूरा ऑर्गेनिक होता है। तो
रास्ता तो पूरा मक्खन है गाइस, मक्खन। अमला बाजार धुपधोरा धोधोरा। और गाइस गांव में देखिए डस्टबिन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख सकते हो छोटे छोटे डस्टबिन से देखिए। और यहाँ पे मुझे एक सिंगल पीस ऑफ प्लास्टिक बैग दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हमें कुछ सीखना चाहिए इन गांव वाले लोग से, हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। हम लोग तो कितना गंदा करते हैं अपने टाउन को, और इन्हें देखिए कितना साफ सुथरा करके रखा हुआ है जगह को। छोटे छोटे डस्टबिन दिए गए हैं पूरा रास्ता में, जैसा अगर गुवाहाटी में होता तो गुवाहाटी कितना सुंदर हो जाता और साफ सुथरा हो जाता, लेकिन नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज द एसएसबी कैंप, यही है आर्मी का कैंप। सर थोड़ा आगे तक जाएगा, एंट्री कर दो सर, आप भी आगे जाएंगे। जो चेक पोस्ट था वहाँ पे हम लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ, एंट्री किया हम लोग ने, गाड़ी का नंबर और मेरा लाइसेंस देखा। और फिलहाल अभी हम लोग आगे जा रहे हैं सीधा। और ये जो जंगल आप लोग देख रहे हो ये ऑलमोस्ट मानस नेशनल पार्क के अंदर में आ जाता है। अभी धीरे धीरे रास्ता जो है वो ऊपर चल रहा है, लेकिन फील नहीं होता गाइस, एकदम से फील नहीं होता, ये जो रास्ता अपहिल है। तो गाइस देख सकते हो हम लोग कहाँ आ चुके हैं, हम लोग अभी इंडिया और भूटान के बॉर्डर के सामने हैं। और इस तरफ जाता है भूटान, और ये जितने भी सारे माउंटेन्स क्लाउड से कवर आप देख रहे हो ये पूरा भूटान का माउंटेन्स है। और यहाँ पे कुछ कोई भी नहीं है, मतलब अभी कोविड के वजह से रास्ता जो है वो पूरा कम्प्लीटली ब्लॉक थे, भूटान के लोग आना जाना यहाँ पे बंद हो चुका है। सो कोई भी नहीं है, बस मैं और मेरा कज़िन है, और हम लोग थोड़ा आगे तक जाएंगे अभी। अभी ये ब्रिज बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोशूट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे हम लोग रुके हैं, एक दो फोटोज़ क्लिक करेंगे एंड देन आगे की तरफ चलेंगे। एंड व्यू देखिए गाइस, यहाँ से वेदर भी बहुत ही अमेजिंग हो रखा है, पूरा क्लाउडी क्लाउडी वेदर, धूप बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही अच्छा फ्रेम आ रहा है व्यू का। का बॉर्डर, सो आगे जाके मिल जाएगा भूटान का गेट, बहुत ही ह्यूज है गाइस। सो दिस वाज द गेट, हम लोग तो अभी आगे तक जा नहीं सकते हैं। भूटान से पानी आ रहा है, ओ भाई साहब बहुत ही ठंडा है गाइस, पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है देखिए, ये मतलब पूरा बर्फ जो है वो पूरा मेल्ट होके आ रहा है पानी। सो गाइस देख सकते हो मेरे पीछे है भूटान का बॉर्डर, भूटान का गेट, आई मीन सारे के सारे ये हमारे इंडिया के ट्रक्स हैं। तो यहाँ से पूरा ट्रक अभी एंटर कर रहे हैं, पूरा आगे सैनिटाइज हो रहा है। सो हमारे इंडिया से अभी पेट्रोल जा रहा है, और भूटान से आता है सीमेंट। सो निकलते हैं अभी यहाँ से, क्योंकि आगे तक तो जाना अलाउ नहीं है, जाने नहीं देंगे। बहुत दिन के बाद आया, अच्छा लगा। एंड व्यू देखिए ना गाइस, पूरा क्लाउड से कवर अप है माउंटेन, कितना सुंदर व्यू है। तो अभी जो रास्ता है वो पूरा डाउन हिल है, इग्निशन ऑन करके कोई मतलब नहीं है, पूरा डाउन हिल है गाइस, आराम से जाते रहेगा, अराउंड 60 के एमपीएच में आराम से जाते रहेगा बाइक। वो दूर हमें पूरा व्यू देखने को मिल रहा है, कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन हमें पूरा अच्छे से दिखाई दे रहा है गाइस, पूरा ग्रीन ग्रीन, छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे घर, सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें। अभी यहाँ पे पास में ही एक रिवर है जो कि भूटान से पानी आता है, तो यहाँ पे जाने के लिए कोशिश करते रहते। चलो अभी अंदर लेके जाते हैं, देखते हैं।
माउंटेन्स देख रहे हो आप गाइस, ये पूरा का पूरा भूटान का पहाड़ है। एंड अभी हम लोग हैं नामलांग के सामने, जो कि इंडिया और भूटान बॉर्डर के सामने एरिया है। और फिलहाल देख सकते हो ये पानी जितना भी आ रहा है ये सारे के सारे भूटान से आ रहा है। जो आइस है वो पूरा मेल्ट होके आ रहा है, पानी एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर वाटर है गाइस, पूरा प्योर वाटर है और बहुत ही ठंडा है। लिटरली आप यहाँ पे नहा सकते हो गाइस, बहुत ही सुंदर है। जस्ट लुक एट द फ्लो ऑफ दिस वाटर, देख सकते हो कितना प्यारा है, कितना सुंदर दिख रहा है। वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये शॉर्ट एंड सिंपल सा ब्लॉग पसंद आया होगा और थोड़ा बहुत आप लोग को विलेज का ब्यूटी भी दिखा दिया किस तरह का है। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ गांव में, सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर ये सब कोरोना का सीन नहीं होता तो मैं डेफिनेटली भूटान के अंदर जाता, थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाता कैसा वहाँ पर कैसा होता है कैसा नहीं होता है। सो बहुत सालों के बाद मैं आ रहा हूँ इस जगह पे, अराउंड 2-3 साल के बाद आ रहा हूँ मैं भी शायद। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो विद दैट सेड, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड एज ऑलवेज राइट सेफ, दिस इज दी मोटो ब्लॉग्स साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।